दुनिया चारों तरफ रेडिएशन से घिरी हुई है। डरिए मत, खतरनाक रेडिएशन नहीं, रेडिएशन तो हम उस लाइट को भी कह सकते हैं जिसके जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। पर अब बहुत कुछ है जो कि नहीं जानते हैं इस दुनिया के बारे में और हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप घर पे बैठे एक टीवी और एंटीना की मदद से सीरियल और मूवी कैसे देख पाते हैं, या फिर घर बैठे बैठे दूर किसी व्यक्ति से बात कैसे कर पाते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेनरी हर्ज वो पहले इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया था, परंतु हर्ज से पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नींव रख दी थी, मतलब थियोरेटिकली। और उस समय उन्होंने इसके चार इक्वेशंस भी दिए जो कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका इतिहास तो जान लिए, अब जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं। तो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना हुआ होता है जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और अपने सोर्स से एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कैरी करता है और फाइनली उस ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें ट्रांसफर कर देता है जिससे वह टकराता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जिसका स्पीड होता है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और आप सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो में किलोमीटर के जगह गलती से मीटर बोल दिया था। सो थैंक यू टू नवरात्रि पटेल, खैर जो भी है, थैंक यू हमें बताने के लिए। अब एक चीज और हमें जानना है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वह कांस्टेंट मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, जिसे कंबाइंड हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। पर जैसे ही वह पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगता है तो टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है और देखने में इस तरह का लगता है, और इन वेव्स के कर्व को किंक कहते हैं, और इन्हीं वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर रोहित रॉय को उनका जवाब मिल गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो हमें एक चीज का पता चल गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के वजह से प्रोड्यूस होता है, तो अब ऑसिलेशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है। दरअसल ऑसिलेशन का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में आगे पीछे मूव करना, जहां दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होता है और सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने पे जो अंदर के चार्ज पार्टिकल्स हैं ऑसिलेट करना चालू कर देते हैं। और अभी हमने जाना कि चार्ज के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है और वह ऑब्जेक्ट ग्लो करने लगता है। अब एक फैक्ट का बात बता देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता, हमेशा उसमें कुछ न कुछ हीट रह ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता ही रहता है हर समय, हम इंसान भी। अब ये चार्ज पार्टिकल्स एक सेकेंड में जितना ज्यादा बार ऑसिलेट करेगा उतना ज्यादा उस वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही एनर्जेटिक वेव। सो आई होप हमारे व्यूअर त्रिलोक शर्मा को उनके सवाल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं का जवाब मिल गया होगा। तो अब हमें पता है कि जब चार्ज एक वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और हमें यह भी पता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी वैरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी करेगा समय के साथ। तो अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और यही साइकिल
चलता जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाए रखता है। जब वह सोर्स से अलग भी हो जाता है तब भी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको मैंने पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो में बताया हुआ है, पर फिर भी कुछ लोग यही पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि हमारे ये व्यूअर हैं श्याम सुंदर जी। तो आइए इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दरअसल अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे थे उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे 7 भागों में बांटा गया है, जो कि है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। और अब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी और उतना ही छोटा उसका वेवलेंथ, जिसमें कि विजुअल लाइट वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उसके अलावा जो 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन्हें हम नहीं देख सकते। इसके यूजेस क्या क्या हैं ये हम नहीं जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं, तो जिन्हें जानना है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्या आपको फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिन्हें और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, लिविंग थिंग्स सेल के बने होते हैं और सेल्स एटम्स के बने होते हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। पर यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी सब डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क के बने होते हैं, तो इस केस में क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस 2 प्रकार के होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। तो फर्मियंस सारे मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और बोसॉन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, गॉस और स्केलर। तो बोसॉन्स फोर्स कैरियर होते हैं, फंडामेंटल फोर्स के कैरियर, और फंडामेंटल फोर्स 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ जो फोटोन है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर पार्टिकल है, और यहाँ इन सारे पार्टिकल्स को क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, जहाँ फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करता बल्कि फोटोन के रूप में ट्रैवल करता है। हालांकि यह इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पर ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम आगे और इसी तरह के वीडियोस लाने वाले हैं और आपको नए नए टॉपिक्स को इन डेप्थ में समझाने वाले हैं। धन्यवाद।